सच कहूं भाई साहब तो आभा को देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। एक बाप को और क्या चाहिए भाभी। सच कहूं तो आज आपको उर्मिला भाभी के साथ अपने घर पर देखकर बहुत अच्छा लगा। सौ बात की एक बात चलत भाई साहब, हमें भी कौन सा अकेले रहकर जीना है, बस शारदा और इसके बच्चों में ही अपना दुख दर्द भुला देते हैं। इसलिए तो शादी की तारीख तय करने हम खुद आपके घर चले आए। क्या बात है भाई साहब, अगर इनसे बात करनी है तो शाम को घर आ जाइए, वहाँ बात कर लेते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि ये शादी 4 दिनों के बाद जो मुहूर्त है, अगर उस दिन हो जाए तो अच्छा होता। 4 दिन? 4 दिन तो बहुत दूर है भाई साहब, हम तो 40 घंटों में आभा को अपने घर ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन जी जी, तैयारियां कैसी होंगी? तुम फिक्र क्यों करती हो, हम है ना हाथ बटाने के लिए। दरअसल भाभी जी, हमारे गुरु जी का आदेश है कि ये शादी इसी तिथि को होनी चाहिए, वरना वरना आभा की जिंदगी में बाधा आ सकती है। अब आप तो जानती हैं कि बरसों से हमने अपने गुरु जी के आदेशों का पालन किया है, दरअसल यह हमारे विश्वास का सवाल है। तब तो जगत भैया शादी 4 दिन बाद ही होगी, क्योंकि आज तक इन्होंने किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा, और आप सिर्फ दोस्त नहीं है उनके, समधी भी है, इसलिए आपका विश्वास उनका विश्वास है। 100 बात की 1 बात, यहाँ तो बाजी खुद पलटी खा रही है, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर, होने को कौन टाल सकता है, हम तो निमित्त मात्र है। अब तो